हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वैसे आज का स्टोरी भी इंटरेस्टिंग ही है। जंगल में एक हाथी रहता था। तो यहाँ पर है रहता था, इस तरह के सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है। और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं रहता था, आई लिव्ड। तो उसी प्रकार जंगल में एक हाथी रहता था, देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। उसी जंगल में एक धूर्त लोमड़ी भी रहती थी। इन द सेम फॉरेस्ट देयर ऑल्सो लिव्ड अ कनिंग फॉक्स। इन द सेम फॉरेस्ट देयर ऑल्सो लिव्ड अ कनिंग फॉक्स। लोमड़ी ने हाथी का मांस खाना चाहा। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। द फॉक्स वॉन्टेड टू ईट द फ्लेश ऑफ द एलिफेंट। उसने एक उपाय सोचा। सी थॉट ऑफ अ प्लान। सी थॉट ऑफ अ प्लान। वह हाथी के पास गई और बोली। सी वेंट टू द एलिफेंट एंड सेड। हम लोग आपको राजा बनाना चाहते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी वॉन्ट टू मेक यू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। आप एड भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सबसे विशाल पशु हैं। बिकॉज यू आर द बिगेस्ट या लार्जेस्ट एनिमल। आप मेरे साथ आइए। यू कम अलोंग विथ मी। यू कम अलोंग विद मी। हाथी उसके जाल में फंस गया। द एलिफेंट फेल इनटू हर ट्रैप। लोमड़ी आगे चली, हाथी उसके पीछे चला। द फॉक्स वेंट अहेड एंड द एलिफेंट फॉलोड हर। रास्ते में एक गड्ढा था। देयर वॉज अ पिट ऑन द वे। उसका मुंह पेड़ की डालियों से ढका था। इट्स माउथ
वॉज कवर्ड विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। हाथी उस गड्ढे में गिर गया, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। द एलिफेंट फेल, फॉल से फेल बन जाएगा यहाँ पर, फेल इनटू द पिट। उसने बड़ी कोशिश की पर वह बाहर नहीं निकल सका। उसने बड़ी कोशिश की, ही ट्राइड हार्ड। बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, यानी कि इससे बाहर नहीं निकल सका। हाथी को कई दिनों तक खाने को कुछ न मिल सका। द एलिफेंट कुड नॉट गेट एनीथिंग खाने के लिए, टू ईट, कई दिनों तक, फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों में हाथी मर गया। विद इन सम डेज या आफ्टर सम डेज भी लिख सकते हैं। द एलिफेंट डाइड, तब वहां लोमड़ी गई। देन द फोक्स वेंट देयर, उसके साथ अनेक लोमड़ियां थी। देयर वर मेनी फॉक्सेस विद हर, सबों ने हाथी का मांस खाया। ऑल ऑफ देम, खाया यानी कि एट, वर्ब टू यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ऑल ऑफ देम एट द फ्लेश ऑफ द एलिफेंट। लालच बुरी बला है। एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आपको एंड स्क्रीन के रूप में कुछ वीडियोज दिखाई दे रहे होंगे, प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर सेल्फ।